नमस्ते एंड वेलकम टू सिंपल एजुकेशन। सो इन दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं वो वाला सम हम एक सॉल्व करेंगे। सो दिस इज सम नंबर टू। सम नंबर वन का वीडियो ऑलरेडी डिटेल बना रखा है, सो डू सी द वीडियो टू अंडरस्टैंड द माइन्यूट डिटेल्स अबाउट कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। सो लेट्स सॉल्व द सम बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर मीडियन। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम। सो दिस इज अ क्वेश्चन, ऑब्जर्व द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये पूरा जो है क्लास इंटरवल्स हमें दे रखा है इन द क्वेश्चन एज वेल एज फ्रीक्वेंसी दे रखा है। फाइन, सो लेट अस कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। सो सॉल्यूशन पार्ट में मैंने ये ऑलरेडी लिख रखा है, इफ यू विश यू कैन राइट इट, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। ये डिटेल्स है कि फॉर्मूला में जो भी कंटेंट लिखा है उसका मीनिंग क्या है। फाइन, सो एज पर योर टीचर्स इंस्ट्रक्शन इफ यू विश यू कैन राइट, अदरवाइज यू डोंट हैव टू राइट इट। ठीक है, कमिंग टू द सॉल्यूशन पार्ट, आपको कॉलम बनाने हैं दो एडिशनल। क्लास इंटरवल का कॉलम ऑलरेडी आपको दे रखा है, ठीक है, ऑल्सो फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपको ऑलरेडी दे रखा है। वॉट यू हैव टू डू इज एक कंटिन्यूस क्लास इंटरवल हमें चाहिए, इसलिए आई हैव रिटन ओवर हियर कि एक कंटिन्यूस क्लास इंटरवल का एक कॉलम होगा। ऑल्सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, सो देयरफॉर देयर इज वन कॉलम फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नाउ कंटिन्यूस क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे, बट बिफोर दैट लेट अस ऐड ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज विच वी हैव already received in the question to get the value of n. ठीक है, तो n की वैल्यू फाइंड करिए by adding 3 + 4 + 7 + 10 + 9 + 6 + 1। सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो हाउ मच यू आर गेटिंग, येस करेक्ट, इट इज 4040। फाइन, तो n की वैल्यू आपको आ गई है, n को आप कलर कर दीजिए बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। फाइन, इन अ डिफरेंट कलर आई हैव रिटन ओवर हियर सो दैट ये हाईलाइटेड रहे। ठीक है, अब ये जो सारी क्लास इंटरवल्स है ये सारी है डिसेंडिंग ऑर्डर में, दैट मीन्स ये छोटे नंबर से सी ओ ये स्मॉल से ये बड़ा होता जा रहा है, विच इज़ गुड। आई प्रेफर कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए क्लास इंटरवल्स वेल सॉल्विंग द सम रिलेटेड टू फाइंडिंग द मीडियन। ठीक है, बट ये क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस नहीं है, तो ये सारे क्लास इंटरवल्स को मुझे कंटिन्यूस करना है। तो वॉट वी आर गोइंग टू डू, ये देखिए ये लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल है, उसमें से 0.5 आपको माइनस करना है और ये अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल है उसमें 0.5 ऐड करना है। सिमिलरली ये सभी क्लास इंटरवल में हमें करना है। ठीक है, टू गेट द कंटिन्यूस क्लास इंटरवल, सो लेट मी शो इट टू यू वंस। तो 10 जो हो जाएगा 9.5 हो जाएगा और 14.5 हो जाएगा 14 का। ठीक है, तो सिमिलरली 15 का क्या हो जाएगा, 14.5 जो कि अब कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में बन रहा है, और 19 का हो जाएगा, ऐड करिए 0.5, 19.5। सिमिलरली आपको ये सभी में करना है। सो इफ यू सी ये पूरा क्लास इंटरवल कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट हो गया है। फाइन, विच विल बी हेल्पफुल फॉर अस व्हाइल सॉल्विंग द सम। ठीक है, अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बिकॉज आवर नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर विल स्टार्ट using these frequencies from downwards. ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 1 लिखा है तो यहाँ पे भी cumulative frequency में 1 लिखिए, फिर आप add करते जाइए। 1 plus 6 कितना होगा, right over here the number 7, right? फिर 1 plus 6 plus 9 कितना हो रहा है, right over here the number 16. Similarly ये सभी को आप यहाँ पे complete करेंगे। सो इफ यू सी ये पूरा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी कंप्लीट हो गया है, एंड लास्ट जो नंबर आया है वो है 40, विच इज इक्वल टू योर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज 40। सो इट हैज टू मैच कि यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ जो नंबर है दैट इज योर फ्रीक्वेंसी 40 है, और यहाँ पे आपका फाइनल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का नंबर भी आया 40। ठीक है, अब कमिंग टू अ other part of the solution. ठीक है, ये पूरा कॉलम तो रेडी हो गया है, नाउ लेट अस कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। ये सारा मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, यू हैव टू राइट इट। तो n की वैल्यू कितनी आई है, राइट ओवर हियर 40, n by 2 हमें चाहिए, तो 40 डिवाइड by 2, फाइन, तो उसका वैल्यू कितना आता है, येस करेक्ट, 20। ठीक है, अब हमें लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास चाहिए, तो उसके लिए क्या करिए, ये 20 लिखा है, फाइन, n by 2 का वैल्यू 20 आया, 20 का जस्ट ग्रेटर नंबर अंडर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें देखना है। ठीक है, सो वॉट वी आर गोइंग टू डू इज लेट अस मूव अहेड, थोड़ा सा इसको स्क्रोल कर रही हूँ। 20 का ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जस्ट ग्रेटर नंबर देखिए, यस इट इज 26।
सो ये 26 कहाँ पे आ रहा है इन दिस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल. तो जस्ट चूज दिस एज योर मीडियन क्लास इंटरवल. ठीक है, तो ये आपका मीडियन क्लास इंटरवल हो गया और उसका ये 24.5 जो है, लेट मी अंडरलाइन दिस, इज आर लोअर लिमिट. फाइन, सो ये आपका आपका लोअर लिमिट आ गया है. सो जस्ट मेंशन हुआ ये 24.5 इज आर लोअर लिमिट. फाइन, अब हमें चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास इंटरवल. तो मीडियन क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, उसकी प्रीवियस बिफोर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है. सी ओवर हियर दिस इज व्हाट इज 16. फाइन, सो आई एम कलरिंग द 16. सो ये जो है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास इंटरवल है. ठीक है, तो जस्ट राइट इट ओवर हियर, वी हैव रिसीव्ड दिस एज 16. उसके बाद हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल. सो दिस इज सी ओवर हियर, ये हमारी मीडियन क्लास इंटरवल थी, इसकी ये फ्रीक्वेंसी, ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है. तो फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, सो दिस इज हाउ मच इट इज 10, राइट. तो दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर मीडियन क्लास इंटरवल. दिस आई एम जस्ट राइटिंग, यू डोंट हैव टू राइट इट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, आई एम राइटिंग ओवर हियर. ठीक है, सो ये 10 आ गया. अब हमें चाहिए I, that is nothing but size of class interval. Size of class interval, आप इनमें से कोई भी class interval में से upper limit minus lower limit कर लीजिए in your continuous class interval, आपको value आएगी 5. So 5 is our size of class interval. So we have got all these values. Let us substitute the values in the formula of median. So this is our formula of median which I have already written. You need to write it. अब यहाँ पे हम values substitute करेंगे. While substituting the value, just take care कि आप सही से value भरे, so that you don't make mistake. N by 2 की value 20 आ चुकी है, so better you directly write 20. ठीक है, next is 16. 20 minus 16 लिखना है आपको. Close the bracket, divide by आपका median क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज 1010. ठीक है, नाउ क्लोज द ब्रैकेट अगेन, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 5. डू चेक दिस दैट यू हैव रिटन एवरीथिंग प्रॉपरली. नाउ डू सॉल्व द सम 24.5 प्लस, ये सारे को आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू आएगी 2. मेक श्योर यू सॉल्व इट वेरी केयरफुली, यू कैन यूज रफ वर्क एरिया टू सॉल्व इट. ठीक है, तो 24.5 प्लस 2 विल गिव अस 26.5. तो फाइनली हमारा जो मीडियन आ गया है वो है 26.5. फाइन, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट. एंड यस, वी डोंट हैव टू फॉरगेट इंटरप्रिटेशन. सो कमिंग टू द इंटरप्रिटेशन पार्ट, तो दो तरह से मैंने इंटरप्रिटेशन लिखा है. फर्स्ट वन है मीडियन रिप्रेजेंट्स द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सिंस द मीडियन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज हाउ मच इट इज, यस करेक्ट, 26.5 हमारी वैल्यू आ गई है मीडियन की. ठीक है, उसके बाद जो लिखा है वो सारी चीजें बहुत सिंपल है, जस्ट टेक केयर यू राइट इट. देयरफॉर 50% ऑफ द स्कोर्स लाई अबव, जस्ट मेंशन ओवर हियर अगेन योर वैल्यू ऑफ द मीडियन. एंड 50% ऑफ स्कोर्स लाई बिलो, अगेन डू मेंशन द वैल्यू ऑफ द मीडियन. उसके बाद जो लिखा है इफ एन इक्वल्स टू, एन की वैल्यू किस कितनी है यहाँ पे 4040. ठीक है, देन 40 का हाफ जो किया था वो कितना था 20. ठीक है, 20 स्कोर्स, ठीक है, लाए बिलो, बिलो क्या आएगा आपका मीडियन का वैल्यू, एंड अगेन जो 20 है 40 का हाफ, 20 स्कोर्स लाए अबव, अगेन दिस इज व्हाट इज योर मीडियन वैल्यू. दिस इज सच सिंपली, यू हैव टू राइट इट. ये एक तरह से इंटरप्रिटेशन हुआ. दूसरा इंटरप्रिटेशन में प्लीज सी ओवर हियर, फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इज रिटन मीडियन रिप्रेजेंट द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सेकेंड इंटरप्रिटेशन इस तरह से कर सकते हैं, मीडियन इज द पोजिशनल एवरेज ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इंटू टू हाफ्स. ये हमें पता ही है, तो बहुत सिंपल है. उसके बाद ये पूरा जो है, जो हमने प्रीवियस इंटरप्रिटेशन में लिखा था, उसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज सेम थिंग आपको लिखनी है. सो ओनली डिफरेंस अंडर दीज टू इंटरप्रिटेशंस आर द फर्स्ट लाइन. ठीक है, एक है मिड पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन और एक है पोजिशनल एवरेज एंड डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ. रेस्ट ऑल रिमेन्स द सेम. फाइन, सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि हाउ टू इंटरप्रेट द वैल्यू ऑफ मीडियन आफ्टर यू कंप्लीटली सॉल्व द सम ऑफ मीडियन. So this is how you need to solve the sum of median and interpret the value.
सो आई होप आपको समझ में आया होगा एंड दिस इज यूजफुल फॉर यू. थैंक यू एंड नमस्कार.